क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग कराची में रहते हैं, गरीब हैं, परेशान हाल हैं, मिडिल क्लास भी, अब अस्पतालों के इलाज बर्दाश्त नहीं कर सकते, एक एक दिन का अस्पताल का बेड का पैसा और बेतहाशा बीमारियां हैं, किसी को गुर्दे की, किसी को दिल की, किसी को डायलिसिस है, किसी के जिगर का मसला है, किसी जिगर की पेबंदकारी है कि जी 4 मिलियन 40 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पैरा मेडिकल स्टाफ की टीम हमारे पास मौजूद है, हम 10 साल से इनके साथ कनेक्ट हैं। बड़े से बड़ा मसला हम भेजते हैं जिन अस्पताल में, अमीर हुसैन शाह साहब जिनका भी कोविड में इंतकाल हो गया, एक रुपया भी खर्च नहीं होता। मरीज का हाथ पकड़ के हर सर्जन प्रोफेसर के रूम में ले जाना, उनको टाइम दिलवाना, उनका इलाज कराना, महंगे से महंगा टेस्ट फ्री में करवाना। मैं लोगों को बताना चाह रहा हूं, जो लोग कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं, लांडी, कोरंगी, गडाब, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, वो लोग किन लोगों से रब्ता करेंगे अगर उनको कोई बीमारी है? ये लोग उनको बड़े भाई की हैसियत से, उनके छोटे भाई की हैसियत से उनको लेकर जाएंगे और ना सिर्फ उनको उन डिपार्टमेंट से मिलवाएंगे, वहां उनके इलाज करवाएंगे, टेस्ट करवाएंगे, दवाइयां दिलवाएंगे, और अगर किसी बड़े अस्पताल में रेफर करना है तो वहां पर भी मौजूद अपने नुमाइंदे के पास भेजेंगे। मैं आपको मिलवा रहा हूं इन सब लोगों से, इनका तारुफ करा रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम एजाज अली है। एजाज साहब, किस डिपार्टमेंट में होते हैं आप? मेरा तारुक जो है जेपीएमसी जिला हॉस्पिटल से है। कौन कौन से मरीज आपसे रब्ता कर सकते हैं? हमारे मुझसे हर किस्म के मरीज रब्ता कर सकते हैं। आप अपना नंबर बता दें सर। 03002830137। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, आप सर कौन से अस्पताल में होते हैं? डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में होता हूँ। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में कौन कौन से इलाके आते हैं? डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जमशेद से देखे गडाब तक पूरे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, मेमार, हसनाबाद, फकीर ये सब गड़ाब नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा सैयद फादर ईशा। आप अपना सर फोन नंबर बता दें। 03118350485। इस इलाके का कोई भी मरीज आपसे रब्ता करे, किसी भी बीमारी का, उसकी आप रहनुमाई फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? जावेद अजीम। अजीम साहब, कौन से इलाके में होते हैं, किस डिपार्टमेंट में होते हैं, कौन कौन से मरीज आपसे रब्ता कर सकते हैं? जनरल सेक्रेटरी हूँ कराची डिवीजन, पाकिस्तान पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ, और कराची के जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं, छोटे हॉस्पिटल्स हैं, सब लोग जो हैं हमसे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कमेटियां तमाम हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं और काम कर रही हैं। और सही तमाम इलाज बिल्कुल मुफ्त होगा। जी जी, इंशाल्लाह ताला। आपका फोन नंबर क्या सर? 03121252344। कोई टाइम तो नहीं है, मरीज 24 घंटे फोन कर सकता है एनी टाइम। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। ये हैं मुर्सा हैदरी साहब, मैं इनका तारुफ करा दूं। पिछले 10 सालों से मैं कराची के कैंसर के वो मरीज जो बेचारे लाखों रुपए का इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते, कीमोथेरेपी, रेज, ऑपरेशन, और वो प्राइवेट अस्पताल माफियाज के पास अपना सब कुछ लुटवा चुके होते हैं, फिर हमारे पास आते हैं, हम इनके पास भेजते हैं, ये बिल्कुल मुफ्त उनका सारा इलाज कराते हैं। मुर्सा भाई, आपके डिपार्टमेंट का नाम क्या है, कौन से अस्पताल में होते हैं? ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट जनाज हॉस्पिटल कराची। ये कैंसर को डील करता है? बिल्कुल, कैंसर को डील करता है और तकरीबन हर तरह का इलाज फ्री होता है। अगर कोई भी टेस्ट हो, किसी भी किस्म का, महंगे से महंगा, सब वो आपसे रब्ता कर सकते हैं? बिल्कुल। मुर्तजा नंबर बता दें। 03322150022। थैंक यू मुर्तजा, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, आप किस डिपार्टमेंट में होते हैं? सर मैं सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल न्यू कराची में होता हूँ। मेरा नाम सैयद शाहजेब है और मैं पाकिस्तान पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ का सिंध का जनरल सेक्रेटरी हूँ। जो भी हमारे पास इन गवर्नमेंट की सहूलत है हॉस्पिटल के अंदर, तमाम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तमाम चीजें, तमाम ओपीडीज हमारे पास है, डायलिसिस है। एक मरीज आपके पास आया और बिलफर्ज आपका ऑपरेशन थिएटर उस वक्त भरा हुआ है और उसको उस वक्त ऑपरेशन की जरूरत है, गरीब है, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो आप उसको फॉरन रेफर करेंगे कहीं और? बिल्कुल बिल्कुल, हम उसको जिना या सिविल उसको जहां रेफर करेंगे वहां पे आपको नुमाइंदा उसको रिसीव करेगा। इंशाल्लाह हमारे पूरे कराची के अंदर बल्कि पाकिस्तान लेवल पर हमारी तंजीम मौजूद है, तो हमारे तमाम हॉस्पिटलों के अंदर हमारी तंजीम के लोग मौजूद। सर अपना नंबर बता दें। 03002229376। न्यू कराची सरजानी, यहाँ पर आप मौजूद भी हैं अस्पताल? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल न्यू कराची है जिसको रिप्रेजेंट हम तकरीबन सरजानी, ये 5D हॉस्पिटल न्यू कराची, नॉर्थ कराची, तमाम आप उनकी मदद करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। क्या नाम है सर? सर यादव सोलंकी। कौन सा सर देख रहे हैं सर आप? सर मैं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में देख रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का सदर में पाकिस्तान। कोई भी मरीज कोरंगी लांडी का परेशान हाल है, आपको फोन करता है, उसकी कोई भी सर्जरी है, किसी किस्म की भी प्रॉब्लम है, आप उसका इलाज करवा देंगे कराची के किसी भी अस्पताल में, बिल्कुल मुफ्त, बिल्कुल मुफ्त। कोई भी दवाई चाहिए हो, कोई भी टेस्ट हो, अपना नंबर बता दें। 03452524880। अच्छा, आप मरहूम अमीर शाह साहब के बेटे हैं और अब आप इस एसोसिएशन के क्या हैं? मैं इनका सेंट्रल प्रेसिडेंट, पाकिस्तान पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ, सैयद कुमैल हसन शाह मेरा नाम है। ठीक है, कोई भी मरीज जो जिन अस्पताल पहुंचेगा कहीं से भी, भले वो दादू से आया हो, सेवन से आया हो, कराची के किसी भी इलाके से हो, उसको जो भी मुश्किल होगी आपसे रब्ता कर ले। जी, मुझसे रब्ता कर ले और बिल्कुल मेरी पूरी टीम वर्क कर रही है, इंशाल्लाह हम पूरे पाकिस्तान लेवल, जितने भी किसी हॉस्पिटल में हो तो वो भी वहाँ पे पूरे पाकिस्तान लेवल। अपना नंबर बता दें सर। 03002579384।
8851। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ इसलिए दिखाया है कि मेरे पास केसेस आ रहे होते हैं कि हमें एक टेस्ट करवाने गए थे, 1.5 लाख लग गया, 50,000 लग गया, हमारा सब कुछ खत्म हो गया, मरीज का इलाज कहां से करें। ये सब लोग बैठे हुए ये कह रहे हैं अपने इलाके से सिर्फ हमें फोन करें, हम आपकी रहनुमाई करेंगे, इतने बजे आइए, मरीज लाइए, ओपीडी करवाइए फ्री में, उसको ऑपरेशन से लेकर एडमिट होना सब कुछ फ्री सरकारी अस्पताल में। जो लोग कहते हैं 6-6 महीने बाद नंबर मिलता है, ये लोग एसोसिएशन वहां की तंजीमें मौजूद है आपकी मदद के लिए। इस वीडियो को लाजमी शेयर करना है, लोग परेशान हो रहे हैं, उनके इलाज के पैसे की कोशिश।